Now the chapter number 6 in the kitchen. Kitchen के अंदर. Kitchen क्या होती है? Kitchen कहते हैं हम रसोई घर को, जहाँ पर हमारी मम्मी हमारे लिए यम्मी यम्मी फूड बनाती है. सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे और फैमिली मेंबर्स के लिए और जो घर में हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए खाना बनता है. कहाँ पर? किचन में. अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो किचन में यूज़ होती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, गैस स्टोव, मतलब चूल्हा जिस पर मम्मा खाना बनाती हैं. नंबर 2, गैस सिलेंडर. गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है. गैस सिलेंडर को हम गैस स्टोव से कनेक्ट करते हैं तो उनके बर्नर में, इसे हम बर्नर कहते हैं, इसमें क्या आती है? गैस आती है जिससे हम खाना बनाते हैं. नेक्स्ट, स्पून. स्पून तो सबकी किचन में होती है. किस लिए होती है? खाना खाने के लिए. स्पून को हम क्या कहते हैं? चम्मच. द नेक्स्ट वन इज माइक्रोवेव. माइक्रोवेव में हम खाना गर्म करते हैं और बहुत सी अलग अलग डिशेस को बनाते हैं. द नेक्स्ट वन इज सिंक. सिंक में क्या होता है? जितने भी झूठे बर्तन होते हैं वो सिंक के अंदर रखे जाते हैं और मम्मी या फिर हमारी मेड उसे साफ करती है. खाना खाने के बाद बच्चों आप सबको अपने खाने के बर्तन सिंक में रखने चाहिए. द नेक्स्ट वन इज प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में मम्मा खाना बनाती है और जब प्रेशर कुकर में खाना बनता है तो प्रेशर कुकर क्या बजाता है? सीटी बजाता है. नेक्स्ट वन टोस्टर. टोस्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है और क्या टोस्ट करती है? ब्रेड. हमारे लिए टोस्ट बनते हैं. द नेक्स्ट वन इज मिक्सर ग्राइंडर, जिसे हम मिक्सी भी कहते हैं. अगर हमें किसी चीज़ की चॉपिंग करनी है या कोई चीज़ ब्लेंड करनी है, सपोज़ आपको टेस्टी टेस्टी मैंगो शेक पीना है, बनाना शेक पीना है, या फिर मम्मा को बटर निकालना है, वेजिटेबल को चॉप करना है, ग्राइंड करना है, तो हम मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प लेंगे. द नेक्स्ट वन इज फ्राइंग पैन. चीज़ों को फ्राई करने के लिए, तलने के लिए फ्राइंग पैन का यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज नाइफ. नाइफ मतलब चाकू, जो बहुत तेज होता है. इससे मम्मा वेजिटेबल और फ्रूट्स को कट करती हैं. बच्चों आप सबको नाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये एक शार्प ऑब्जेक्ट है. अगर आप नाइफ से खेलेंगे तो आपको कट लग सकता है और क्या निकलेगा? फिर ब्लड निकलेगा. द नेक्स्ट वन इज रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज. सबके घर में फ्रिज होता है. फ्रिज में हम बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल रखते हैं, पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं और क्या रखते हैं हम? कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी चीज़ें. लेफ्ट ओवर फूड मतलब बचे हुए खाने को भी हम फ्रिज में रखते हैं जिससे हमारा खाना खराब ना हो. नाउ द टाइम फॉर द आंसर. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. वेयर डू यू कीप योर वेजिटेबल्स? आप अपनी वेजिटेबल्स कहाँ रखते हैं? हम सब अपनी वेजिटेबल रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. सो वी विल राइट रेफ्रिजरेटर. Refrigerator. रेफ्रिजरेटर. द नेक्स्ट वन इज व्हाट हेल्प अस टू कट वेजिटेबल एंड फ्रूट. वेजिटेबल और फ्रूट्स को काटने में हमारी कौन मदद करता? वी यूज नाइफ. तो हम लिखेंगे KNIFE नाइफ. व्हाट हेल्प्स अस टू मेक वेज पुलाव. वेज पुलाव बनाने में हमारी कौन मदद करता है? वी यूज प्रेशर कुकर. PRESSURE प्रेशर कुकर. COOKER प्रेशर कुकर में मम्मा
वेज पुलाव बनाती हैं. नाउ द टाइम फॉर मेमोरीज. वी शुड कीप आर किचन नीट एंड क्लीन. हमें हमारा रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए. वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए. आपको खाना खाकर झूठे बर्तन सिंक में रखने चाहिए. और अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट के जितने भी पील मतलब छिलके हैं उन्हें आप डस्टबिन में थ्रो करिए. उनको किचन की शेल्फ पर नहीं रखना चाहिए.